जबलपुर आंचल विकलांग कार्यशाला का हुआ आयोजन। आंचल केंद्र घड़ी चौक विजयनगर में व्यवहारिक ज्ञान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सौरभ खादीवाल, कारपोरेट ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर, नॉलेज बड़ी लर्निंग अकादमी के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान से बच्चों के ज्ञानवर्धन के तरीकों पर प्रकाश डाला गया। इसके लिए उनके द्वारा कई कहानी एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे टूथब्रश, ताला, चाबी, पेंटिंग ब्रश आदि से बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को समझाया गया। वहीं दूसरी ओर बच्चों ने अच्छी अच्छी जानकारी लेते हुए अपने आप को आनंदित महसूस किया। साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक गानों पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति प्रदान की, जहां पर उपस्थित बच्चों एवं अतिथियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर आरके नेमा, सविता दुबे, संजय खत्री, प्रेम नारायण खादीवाल, आशा नेमा, अनुराग श्रीवास्तव, प्राचार्य शशि सिंह, सीमा श्रीवास्तव, अपूर्वा राजपूत, साक्षी ठाकुर एवं अभिभावकगण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट खेल प्रशिक्षक राजकुमार यादव, आंचल विकलांग केंद्र मार्शल आर्ट प्रशिक्षिका शिवानी बैन भी उपस्थित रही। जबलपुर मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता शिवानी बैन की रिपोर्ट। सर, आज इस स्कूल कैंपस में आप आके और बच्चों को कई सारे डेमो के माध्यम से समझाया, आपने क्या जानकारी दी है? काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज का जो कार्यक्रम था, इसमें हमने कोशिश की कि बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से समझाया था। इसमें हमने 2 से 3 मोरल स्टोरी दिखाई, जिसमें हमने बताया किस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे कि हमने डेली यूज़ का जो हमारा होता है, जैसे कि हमारा घर का ब्रश होता है, टूथब्रश होता है, चाबी होता है, ताला होता है, तो उसके एग्जाम्पल से हमने यहाँ बच्चों को समझाया कि कैसे उनके जीवन में जो समस्याएँ आ रही हैं उनसे आगे बढ़ा जा सकता है। और छोटी सी हमने पिक्चरें दिखाई, जिसमें हमने बताया कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें सबके बारे में सोचना चाहिए और हमें अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे हमें कोई देखने वाला ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में हमारा हिसाब किताब किया जाता है, तो इसलिए हमें हमेशा लोगों के प्रति अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम लोगों की मदद करते रहेंगे तो कभी ना कभी आप भी आगे बढ़ते रहेंगे। आपने ताला, चाबी और मछली के बारे में भी मूवी से समझाया, तो समझाने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य हमारा यह था कि जैसे कि जीव जंतु होते हैं, तो बहुत से लोग घर के आसपास जो उनके, जैसे हम बात करें कि श्वान, कुत्ते, बिल्ली, इनको परेशान करते हैं। कई बार बच्चे वो अनजाने में उनको पता भी नहीं होता कि वो भी एक जीव है और उनको भगवान ने पैदा किया है, उनकी भी जीवन चर्या है, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन हम अनजाने में कभी यार उनको पत्थर या डंडे मार देते हैं, लेकिन वो जीव है। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि हर जीव की हमें वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि हर कोई यहाँ पे आया है, उसका कोई उद्देश्य है। हो सकता है कि भगवान के रूप में आपके आसपास आए, जैसे आपने बोला कि देखते हैं कि शनि भगवान, जैसे कि बोला जाता है काले कुत्ते के रूप में आते हैं, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु आ सकते हैं, तो हमें पहचानना पड़ेगा। और हर जीव के प्रति अगर अच्छा हम नियत रखेंगे तो हमारे प्रति भी भगवान सोचेंगे और आने वाले टाइम में सारी चीज़ें लौट के आएंगी। सर, अपना परिचय देंगे? सर, मैं इंदौर से आया था और मैं एक मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर हूँ और बहुत सारे सेमिनार और वर्कशॉप हम करते रहते हैं और अलग अलग शहर में हमने किए हुए हैं, इंडिया के लगभग काफ़ी शहरों में हमने किया हुआ है, जिसमें इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, और ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं और नौकरी के लिए जो बड़े बच्चे तैयारी करें उसको भी हम सिखाते हैं। और जिस समय हम जबलपुर आए थे और हमने एक रखा हुआ है लक्ष्य कि हर साल हम एक ऐसा एक सेमिनार करेंगे जो कि निःशुल्क रहेगा और जो स्पेशल बच्चे हैं उनको हम एक प्रोग्राम देंगे, तो ये लगातार दूसरे साल में आज एक आयोजन किया है और आने वाले अगले साल में भी हम किसी न किसी स्कूल में इसी तरह से एक प्रोग्राम करेंगे, तो ये हमारा छोटा सा कार्य है। थैंक यू। इसके अलावा इन्होंने आज हमारे बच्चों को कुछ वीडियो दिखाई, जिसमें कि एक मछली जिसको कि मछुआरे द्वारा निकाला गया था, उसको उस तरीके की कहानी में एक पंडित जी द्वारा समझाया गया कि वो भी एक जीव है, हमको इस तरीके किसी भी कहीं पर भी किसी भी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए और उसका कहीं ना कहीं परिणाम, कहीं ना कहीं वह परिणाम प्राप्त होता है। इस बारे में भी उन्होंने बच्चों को ज्ञानवर्धन करने की कोशिश की और यहाँ पर आकर करीब उन्होंने आधे घंटे में 3 वीडियो दिखाई, जिससे जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं उन्होंने भी उस चीज़ को ध्यान से सुना और वो उसको आगे बच्चों की शिक्षा में समाहित करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे की चीज़ थी और हम कोशिश करेंगे कि वो आगे भी आए और इस जो हमारे प्रोग्राम है वो उनको नए तरीके से और समझाकर
हमारा स्कूल के लिए